हमारी जमीन है चिंतौरा कोटहिया में, खतौनी की जमीन है, हमने उसको रिक्वायरमेंट करवाया है। उस पर दो चार लोग बढ़ा रखे थे, एसडीएम साहब गए, एसडीएम साहब के ने सब मामला को तराम बराम कराया, एसडीएम साहब से पूरी बातचीत हुई, एसडीएम साहब लगभग 2.5 घंटे तक वहाँ थे, सब मैनेज होगा, सब कुछ बात हो गई। एसडीएम साहब ने कहा कि इन लोग गरीब आदमी, एक किनारे इन लोग को जमीन दे के बसा दो, उजाड़ो मत, हमने उन लोग को एक किनारे जमीन दे के बसा दिया, सब कुछ कर उनसे। हम लोगों ने कहा कि हम आपसे हम लोग पैसा नहीं लेंगे, फ्री में बैनामा कर, केवल बैनामा कराई आप लोग दीजिए। एसडीएम साहब ने कहा बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हमने कर दिया। बाद में अध्यक्ष जी के पास एक राजरेश नाम का हो गया, उनको 2-4-5 हज़ार रुपया दिया, कपिल देव वर्मा के पास 2-4-5 हज़ार रुपया उनको दिया होगा, उनके पास गया तो उन्होंने फोन, जब ये मढ़ा उस पर अध्यक्ष जी के दबाव में वो मढ़ा रख लिया, उस पर मढ़ा रखवा दिया हमारी जमीन, जिसको आज रखवाए हैं। एसडीएम साहब कहते हैं इसको जमीन नहीं देना, ये माझा में रहता है, इसका घर द्वार यहाँ कोई नहीं, जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, हमने जो है उसको नहीं दिया। अध्यक्ष जी ने फोन करके मेरे सामने फोन करके कहा कि राजे वर्मा को ले जाके कोतवाली में बंद करो, ये अवैध काम कर रहा है, जबकि मेरा खतौनी की जमीन है, कोई अवैध नहीं, वो लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं मेरे जमीन पे। अभी क्या मामला है? अभी वो अध्यक्ष जी ने फोन किया कि राजे वर्मा को ले जाके कोतवाली में बंद करो, दरोगा साहब ने कहा कि भाई दबाव आ रहा कि आपको कोतवाली में बंद किया जाए, हमके चलिए ठीक है, हम चल रहे हैं आपके साथ, बंद कीजिए हमको, हम अगले पक्ष को भी लेके आ रहे, अगला पक्ष नहीं आया, वो भाग गया, हम चले आए को, तो हमें लाके बंद कर दिया।